तो दोस्तों अंदर से थैंक्स फॉर विजिट काइंड, थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट करके इन्होंने डेकोरेशन करके फ्लावर से लगाया हुआ है। एंड यहाँ से एंट्री करेंगे हम अगर 10 के ऑपोजिट, सेक्टर 10 के ऑपोजिट से और नियर सेक्टर 16 GMCH के हॉस्पिटल के नियर से अगर एंट्री करेंगे तो यहाँ से इस तरह का कुछ डेकोरेशन लगाया गया है, डेकोरेट किया गया है बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हो ये ऐसी कुछ डेकोरेशन की गई है। तो दोस्तों क्वालिटी और क्लैरिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों इस बारी आपको, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया और सनलाइट इतनी है नहीं, बिकॉज शाम का टाइम हो चुका है और अप्रॉक्स 5:10 हो चुके हैं तो सनलाइट इतनी है नहीं, तो थोड़ा क्वालिटी या क्लैरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह का कुछ है, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया सा इन्होंने सीनरी वगैरह लगा रखी है और पेंटिंग वगैरह लगा रखी है, तो मैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आप आओगे यहाँ पे तो इस तरह की पेंटिंग वगैरह देखने को मिलेगी आपको, बहुत ही बढ़िया। नाइट में तो और भी अच्छा लगेगा क्योंकि बिकॉज इन्होंने लाइटिंग वगैरह कर रखी है, लाइटें वगैरह लगा रखी है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ऊपर से ये देखिए फ्लावर से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, थोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है। आप देख रहे हो सेक्टर 16 जाकिर हुसैन रोज गार्डन में रोज फेस्टिवल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें इस शेड से बाहर आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे का हम ब्लॉग शूट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बढ़िया रंगोली है यहाँ पे, ये पेंट से बनाई गई है और यहाँ पे पुतले रखे हुए हैं, फोटो वगैरह खिंचा सकते हो आप। देखिए लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, पुतले वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, और आपको लेके चलते हैं और आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। प्रोसेस है बहुत आसान,
जिसे हम कर सकते हैं बिना किसी तकनीकी ज्ञान, जिसके लिए हमें कंपोस्टर चाहिए। और अगर आपके पास कंपोस्टर नहीं है तो आप इसे किसी मिट्टी के मटके या गमले में भी कर सकते हैं। कंपोस्टर के साथ आपके किचन का वेस्ट आपके सिर्फ 2 मिनट और बन जाएगी मिट्टी की खाद तैयार। ये एरोबिक कंपोस्टिंग है, इसलिए हमें कंपोस्टर को किसी खुली हवा वाली जगह पे रखना है जिसमें हमें रोज का किचन वेस्ट डालना है। उसके ऊपर 2-3 मुट्ठी रीमिक्स पाउडर, जो कोकोपीट यानी नारियल के छिलके के बुरादे, ऑर्गेनिक माइक्रोब्स और अपने घर की पुरानी खाद से बनता है। रीमिक्स पाउडर डालने के बाद इसे हिलाना नहीं है, बस ऊपर से ढक देना है। यह प्रक्रिया हमें रोज करनी है जब तक कि कंपोस्टर पूरी तरह ऊपर तक भर न जाए। फिर हमने इसे 20 दिन तक छेड़ना नहीं है, तब तक आप नए कंपोस्टर में ये प्रक्रिया करते रहें। रीमिक्स पाउडर में कोकोपीट लेचेट को वेस्ट से सोक करता है और स्मेल फ्री बनाता है। इस प्रक्रिया से पूरे 20 दिन के बाद आपकी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। हम हमारे गार्डन वेस्ट या सूखे पत्तों से भी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होम कंपोस्टिंग से विरुद्ध होती है। इसको बनाने के लिए आपको बस 1 बकेट सूखे पत्ते, 2 टेबलस्पून माइक्रोब्स और 1 पतली परत गोबर की खाद की चाहिए। और हाँ, इसमें आप घर की छनी खाद का रेजिड्यू भी डाल सकते हैं। लीजिए, हो गई आपके घर की खाद तैयार। आपके सिर्फ 2 मिनट कर सकते हैं स्वच्छता अभियान में योगदान। बस आपकी अच्छी नीयत ही है कारगर, पृथ्वी के स्वच्छ भविष्य के लिए उपहार। सो दोस्तों, ये थी वीडियो सेक्टर 16 रोज गार्डन की, जहाँ पे लगाया गया था रोज फेस्टिवल। तो सारी वीडियो आपको बना के दिखाई, ब्लॉग शूट करके दिखाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं चंडीगढ़ से रिलेटेड वीडियो वगैरह शूट करता रहता हूँ और ब्लॉग वगैरह शूट करता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।